क्लास एट्थ मैथ्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ शीट। ये कुछ पॉइंट दे दिए, इन्हें ग्राफ शीट पे आपको प्लॉट करना है। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं, इसे वेरीफाई करेंगे। ए बी और सी, तीन ये पॉइंट आपको यहां पे गिवन है। ये ग्राफ पेपर लेके हम एक्स और वाई एक्सिस इस पे बना देते हैं। एक्स और वाई एक्सिस, तो ये लाइन हमने वाई एक्सिस के लिए बना दी। वाई एक्सिस पे आप देखोगे हाईएस्ट पॉइंट 6 है, तो अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हमने वाई एक्सिस पे ले लिए हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो। एक्स एक्सिस कितनी लंबी बनेगी आप पॉइंट देख लो। एक्स एक्सिस पे 4 4 4 और 4, सब में 4 है, सब में 4 है, तो आप 5 तक ले लो लगभग। 1 2 3 4 5 आप यहीं तक ले लो। ये तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसे आप एक्स लिख दो। ये वाई एक्सिस है, इसे वाई लिखो। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहां आप जीरो लिखोगे। यहां फर्स्ट निशान एक बॉक्स पे 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4 और एक ज्यादा हमने 5 तक लगा दिया। यहां पे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7 एक ज्यादा लगा दिया हमने। ए पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है ए पॉइंट। पहले पार्ट में ए पार्ट पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है ए 4 and 0। तो पहले मैंने बताया था x की वैल्यू होती है और बाद में y की। तो x की वैल्यू 4 1 2 3 4 ये, और y की वैल्यू 0। तो y की 0 वैल्यू और x की 4 वैल्यू दोनों यहीं पे मिलती हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां से y एक्सिस की तरफ जाए तो 0 पे पहुंचे और x एक्सिस की तरफ आए तो 4 पे। तो ये आपका ए पॉइंट है। ए आप इस पे ए लिख दो। इसी तरह से बी पॉइंट आपका दिया हुआ है 4 and 2, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर हम वाई एक्सिस की तरफ जाए तो 2, वाई एक्सिस पे 2 ये पॉइंट आपका आ जाएगा बी पॉइंट। एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 4 और वाई की तरफ जाएंगे तो 2, 4 and 2। ऐसे सी पॉइंट की वैल्यू दी है आपको 4 and 6। तो x की वैल्यू 4 है, 4 से ऊपर जाओ कहां तक, 6 की वैल्यू तक। ये 6 और नीचे 4, तो ये आपको c पॉइंट दिया हुआ है। फिर d पॉइंट आपको दिया है 4 and 2.5। ये 4 है और यहां से हम ऊपर गए 2.5 तक, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, ये आपका d पॉइंट है। उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट करो एक स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। आप स्केल रखो, चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखो, लाइन ड्रॉ हो जाती है तो लाइन ड्रॉ कर दो, एक ऐसी लाइन जो चारों पॉइंट से जा रही है। तो ये लाइन आपकी चारों पॉइंट पे जाती है, तो हम कहेंगे यस इट इज वेरीफाई दैट ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। यस इट इज verified that all the points lie on a line। ये हमारा आंसर आ गया ए। बी के लिए क्या है? बी में पहला पी पॉइंट आपका 1 और 1 1.1, तो 1 और 1 1 से ऊपर 1 तक ये पॉइंट आपका P। दूसरा Q
2 एंड 2 ये पॉइंट x की तरफ 2, y की तरफ 2, ये q. r की वैल्यू 3 एंड 3, तो ये r, 3 एंड 3, ये पॉइंट आपका r. फिर r के बाद s, 4 एंड 4, तो ये 4 और यहां भी 4, ये ही पॉइंट आपका s है. आप देखोगे एक लाइन से चारों पॉइंट कनेक्ट होते हैं, लाइन ड्रॉ कर दोगे. यस, तो आप क्या लिखोगे इसमें भी, सेम यही स्टेटमेंट लिखोगे, यही वाली. यस, इट इज वेरीफाइड दैट ऑल द पॉइंट लाई ऑन द ऑन ए लाइन. सी में आपके पॉइंट्स क्या क्या है, के, 2 एंड 3. तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो 2 से ऊपर कितना ऊपर, 3 तक, यानी ये पॉइंट, ये आपका के. एल, 5 एंड 3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3, यानी 5 से 3 तक. नेक्स्ट एम, 5 एंड 5, 5 एंड 5, ये पॉइंट, एक्स की भी 5, वाई की भी. तो ये के था, ये आपका एल है, ये आपका एम. और एन, 2 5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, ये रहा आपका एन, 2 5. तो इसने कहा प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन. अब ये देखो यहां के है, यहां एल, एम और एन, आप इन्हें कनेक्ट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. तो हम लिखेंगे नो, दे आर नॉट लाई ऑन ए लाइन, ये एक ही लाइन पे नहीं है. जैसे फर्स्ट वाले चारों पॉइंट एक ही लाइन पे थे, सेकंड में भी चारों पॉइंट एक ही लाइन पे थे, लेकिन थर्ड वाले ऑल 4 पॉइंट्स नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2. एक ऐसी लाइन पास करो जो 2 3 और 3 2 से पास होके जाए. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स एट विच दीज लाइन मीट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हम इसको इसी ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं. हमें दो पॉइंट इसमें दिए हैं, एक पॉइंट दिया 2 एंड 3 और एक पॉइंट दिया 3 एंड 2. तो 2 एंड 3 ये पॉइंट है, मैं थोड़ा डार्क कर दूं. 3 एंड 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस को ये कहां कट करते हैं. बहुत ध्यान से ज्वाइन करना भाई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. तो हम देखते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां से जा रही है, 5 से. तो पूछा वेयर दे मीट एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कहां से मीट किया उसने, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट. तो ये पॉइंट कौन सा, ये 5 तो वैल्यू है, पॉइंट है 5, 0. एक्स की वैल्यू यहां पे 5 है और यहां वाई की वैल्यू क्या है, 0 है. y एक्सिस पे यहां पे मीट किया है, तो y एक्सिस, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, यहां पे x की वैल्यू क्या है, नीचे देखो x की तरफ जाओ तो 0, पहले x की वैल्यू 0 लिखेंगे और फिर y की वैल्यू क्या है, यहां पे 5, फिर y की वैल्यू लिखेंगे. तो ये इसलिए क्वेश्चन स्पेशल आपको दिया, आपको समझाने के लिए कि यहां भी 5 लिखा है, यहां भी 5 लिखा है, लेकिन अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0. ये आपको स्पेशल नोट में डालकर याद रखना है, ऑन x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होती है, और ऑन y एक्सिस पे जो x की वैल्यू क्या है वो 0 होगी. ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0. ये पॉइंट ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 5 0 और 0 5 हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड,
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर यहाँ पे दिया है, इस फिगर में सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। फिगर कितने फिगर दिए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको तीन फिगर दिए हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। रेक्टेंगल में क्या क्या पॉइंट दे दिए? रेक्टेंगल में हमें दे दिया है ओ ए बी सी, तो हमें इन चारों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। फिर पैरेललोग्राम में पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और यहाँ पे के एम और एल। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। इसमें ओ के कोऑर्डिनेट, ओ पे एक्स के वैल्यू भी जीरो और वाई की भी जीरो, तो जीरो और जीरो। ए के, ए पे एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो, अभी अभी हमने बताया। फिर बी, जब भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लें पहले एक्स की तरफ जाएं, वैल्यू देखो टू तो टू लिख दो, फिर वाई की तरफ जाओ वैल्यू देखो थ्री तो थ्री लिख दो। फिर इसके बाद है सी, सी पे पहले एक्स की तरफ, एक्चुअली वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो, या एक्स की तरफ जाके देखोगे तो जीरो और वाई की वैल्यू तो थ्री है ही है, जीरो और थ्री। सेकंड इसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगल ओ ए बी सी के बाद पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, पी पी क्यू आर एंड एस, पी के कोऑर्डिनेट, क्यू आर और एस। अब पी के कोऑर्डिनेट देखो, पी ये रहा, एक्स की तरफ जाओ फोर, वाई की तरफ थ्री, ऐसी क्यू एक्स की तरफ सिक्स और वाई की वैल्यू वन। आर पे एक्स की वैल्यू नीचे जाओगे सिक्स और वाई की वैल्यू फाइव, एस पे एक्स की वैल्यू नीचे जाओ फोर और वाई की तरफ जाओ सेवन, फोर कोमा सेवन। ये बार बार बता रहा हूं, याद रखना पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू आती है, तो पी क्यू आर एस की वैल्यूज आ गई। अब थर्ड आपके पास आ गया ट्रायंगल के एल एम, तो के कोऑर्डिनेट, एल के कोऑर्डिनेट और एम, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट के में एक्स की वैल्यू के टेन, वाई फाइव, एल में एक्स के लिए सेवन, वाई के लिए भी सेवन, एम नीचे जाओगे तो टेन और वाई की तरफ जाओगे तो एट। तो ये आपके तीनों जो फिगर हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, इनके कोऑर्डिनेट हैं। आपको फिगर देख के, ग्राफ देख के कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए और कोऑर्डिनेट देख के उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन फोर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है बताओ, करेक्ट दैट आर फॉल्स, जो गलत उन्हें करेक्ट करो। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है एंड वाई इज नॉन जीरो विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये एक ऐसे पॉइंट के बारे में पूछ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो और वाई जो है वो नॉन जीरो है। तो यहां देखो ऐसा कौन सा, ए ए और ये आपका सी, सी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई नॉन जीरो। तो सी पूछता है कि वाई एक्सिस पे है या नहीं है। आप ग्राफ देख के समझ जाओ कि सी कहां पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ये ट्रू है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई नॉन जीरो, तो कोई भी पॉइंट जिसमें वाई नॉन जीरो और एक्स जीरो होगा कहां होगा, वो वाई एक्सिस पे होगा, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट इसके पास है, पॉइंट जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो ओ वाई की वैल्यू जीरो एंड एक्स की वैल्यू फाइव है, वो कहां होगा, कह रहा वो वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो ये बात गलत है यहां, तो वाई एक्सिस की जगह आ जाएगा यहां पे एक्स एक्सिस। पहले ये क्या था, फॉल्स था और फिर हमने इसे ट्रू करके
लिख दिया। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आएगा 50, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 50। थर्ड है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0, ओ की वैल्यू 0 और 0 होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू, बिल्कुल सही है। तो यहां आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो और बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से एक्स्ट्रा बुक से लो, ग्राफ पे प्लॉट करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है।